हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर। इस शेयर में काफ़ी ज़ोरदार जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। बहुत ही टाइम के बाद इस लेवल के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो हम लोग इन डिटेल में आपको देखेंगे जिस स्टॉक में आगे और कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, और आगे का हम लोगों का क्या टारगेट होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक क्लियरली एक रेंज को ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की साइड अगर हम लोग देखेंगे 550 का रेंज है, नीचे की साइड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 440 का रेंज है। इस रेंज में स्टॉक यहाँ पे आपको लास्ट वन ईयर से कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक चैनल पैटर्न में जो है स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, और आज के सेशन में अभी आपको 3 to 4 आवर और रिमेनिंग है। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे क्लोज कर देता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि पहला टारगेट हम लोगों का 650 का रहेगा और दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 750 का रहेगा। याद रखिएगा ये वीकली चार्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्लियरली अगर मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक जो है अनचार्टर्ड ट्रेडर में स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। अब अगर बात करें हम लोग डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को सेम लेवल जो है एक अच्छे रेसिस्टेंस की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। फाइनली आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद अगर यहाँ पे लास्ट वन ईयर में देखेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 अटेम्प्ट ले चुका था स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया था। 5th अटेम्प्ट में फाइनली इस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है, और स्टॉक जो है यहाँ पे काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग अभी भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में नो डाउट प्रेशर है, बट यहाँ पे इस स्टॉक में जो है एक काफ़ी अच्छा बुलिशनेस दिख रहा है। तो इसलिए इस स्टॉक में जो है नेक्स्ट हम लोगों को 650 और 750 का लेवल जो है नेक्स्ट आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।